अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नौजवानों, आज मैं एक अहम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। केले जो हम खाते हैं, हम केले का गूदा खाते हैं, उसका मुफाद उठाते हैं, इसके छिलके फेंक देते हैं, क्या ये छिलके बिल्कुल बेकार हैं? कभी आपने सोचा? यार, इन छिलकों के बहुत बड़े फायदे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ मालूमात में शेयर कर सकूं। केले के छिलके, जो ताजा केला आपने खाया, उसका छिलके का अंदरूनी साइड अगर उसका चेहरे पर मिसाज करें तो चेहरे पर मिसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है ना, चेहरे में जो बढ़ती हुई उम्र का वजह से झुर्रियां पैदा हो रही थी, या उनकी कमी से, या परेशानियों की वजह से, या स्टडी से, या ज़्यादा देर लैपटॉप या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठे रहने से आँखों के गिर्द जो हल्के पड़ गए हैं काले, वो ठीक हो जाएंगे। केले का अंदरूनी हिस्सा जो है छिलके का, वो चेहरे पर मसाज करें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लिया करें। सिर्फ 8 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका चेहरा निखरा हुआ होगा। दूसरी अहम बात, केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा, जिस्म की वो जगह जहां आपको कील निकले हुए हैं, मुहासे निकले हुए हैं और झुर्रियां पड़ी हुई है, या स्किन टैग हैं, जिल्द पर जो तिल होते हैं, दाने होते हैं, उन पे केले का छिलके का अंदरूनी हिस्सा लगाएं। एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला वो कील, मुहासे, वो टैग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, झड़ जाएंगे और आपकी जिल्द बिल्कुल मुलायम और वो जगह टैग से पाक हो जाएगी। एक और केले के जो है छिलके का यूज बताता हूँ। अगर किसी का जिस्म का कोई हिस्सा झुलस जाए, आमतौर पे फीमेल जो है खाना पकाते हुए उनकी हाथ या ये कोहनी का ये जगह बाज़ों का जो है ना, खाना पकाते हुए आग से झुलस जाती है या भाप लग जाती है, उसके लिए जो भी इलाज बाद में करते रहें करें, फौरी तौर पर केले को छिलें और उसके अंदरूनी तह को जो है ना, इस पर हल्का हल्का प्यार प्यार से मसाज करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जलन जो है ना, फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आपको अजीब सा सुकून महसूस होगा फौरी तौर पर। बेशक आप डॉक्टर के मुताबिक जाएं, डॉक्टर से इलाज करें, जो कुछ है वो करें, लेकिन फौरी तौर पर जो है आपको जल्द कि जलन का जो दर्द है, एहसास है, वो फौरी तौर पर ये लगाएं, इंशाल्लाह फौरी तौर पर रिजल्ट मिलेगा एक मिनट के अंदर। तीसरी अहम बात जो है वो है, ऐसे लोग जिन जो चाहते हैं हमारी रंगत जो है वो निखरी हुई, चेहरा खुरदरा हो गया है, चेहरे पर निशान से बन गए हैं और जो है ना उम्र बढ़ती जा रही है, इसका कोई मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं आ रहा, तो उनके लिए यह है कि केले को ग्राइंड करें, केले के छिलके को ग्राइंड कर लें और उस ग्राइंड में 2 अंडे की जर्दियां डालें और उसका पेस्ट बना के महफूज कर लें। वो पेस्ट दिन में सुबह के टाइम 5 मिनट लगा के मुंह धो लिया करें, शाम को जो है ना 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लिया करें, तो ये पेस्ट लगाएं, इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर, गारंटी से ये बात कहता हूँ, 10 दिन के अंदर आपका चेहरा चांद की तरह निखरा हुआ होगा, चेहरा की खूबसूरती होगी, चेहरे के अंदर एक अजीब सा निखार होगा और चेहरा पूरा रौनक होगा, उससे दाग धब्बे, कील, मुहासे, सारे निशान खत्म हो जाएंगे और जो आपकी उम्र बढ़ने की चेहरा चुगली कर रहा था, किसी को एहसास नहीं होगा आपके चेहरे को देख करके कितनी उम्र है, कि ये उम्र को छुपाता है, ये उम्र चेहरे को बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, नौजवान रखता है, चेहरे को सदाबहार रखने का बेहतरीन टिप्स है। इसी तरह अगर कहीं भीड़ काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट आप चाहें वो करें, लेकिन वक्ती तौर पर आप केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा वहां लगा दें तो इससे सूजन भी नहीं होगी और जलन भी नहीं होगी। अगर उसे केले के छिलके को कुछ देर वहाँ मिसाज करने के बाद इसको ऊपर बांध दें तो इंशाअल्लाह ताला सूजन भी खत्म हो जाएगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा।
मेरी ये केले के हवाले से कुछ टिप्स थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। ये केले के छिलके को अगर आप ग्राइंड करके सर पे लगाएं, ऐसे लोग जिनके आधे गंजे हो चुके हैं, सर के बाल झड़ते जा रहे हैं, तो अगर इसी पेस्ट को खाली पेस्ट बनाएं, ग्राइंडर में पेस्ट बना के इसको सर पे लगाएं, तो इससे आपके बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे और सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपके सर के बाल नरम मुलायम होंगे, बेहतरीन होंगे, शाइनी होंगे। लेकिन ये पेस्ट आपको थोड़ा सा रात को लगा के 2-4 घंटे, 2 घंटे शाम को लगा लिया, रात को सोने से पहले धो लिया, या जिस टाइम वापस आते हैं मसरूफियत से फारिग होते हैं उस टाइम सर पे लगा लिया, और उसके बाद जो ही आप इजी हों 1 घंटे 2 बाद धो लिया करें, तो 1-10 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे और मजीद बाल गिरने से बच जाएंगे और गंजेपन की रोकथाम करेगा और आपके बाल शाइनी होंगे। मेरी ये वीडियो आपको अगर क्लिक करे आपके दिल पे मेरी मालूमात, तो इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, सिर्फ फायदा ही फायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली